वेलकम बैक दोस्तों, आज की मूवी का नाम है, आप भी पढ़ लो, पता नहीं मूवी का नाम लिखा है या इंग्लिश ऐसे, इतना लंबा नाम कौन लिखता है वे। खैर जो भी हो, इसकी मीनिंग ये है कि अच्छी लड़की का अफसाना, मतलब द मिथ ऑफ द गुड गर्ल, और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई। एक्चुअली ये मूवी ऑफिशियली प्राइम वालों की ही है। इस मूवी में कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन ने लीडिंग रोल निभाया है, और इस मूवी का थीम ये है कि हमारे समाज में अच्छी लड़की को लेकर एक सोच है, मतलब अच्छी लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे ऐसे काम करती है, अपने माँ बाप की बात मानती है, लेकिन उस अच्छी लड़की की पर्सनल लाइफ क्या है, उसके डिजायर क्या है वो खुद जानती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी एक इंसान है। तो एक अच्छी लड़की ने अपने सेक्सुअल डिजायर को कैसे पूरा किया, यही इस मूवी की थीम है। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है, इसी का नाम है पवित्रा। सुबह सवेरे अपनी नींद से जागने के बाद पवित्रा अपना मोबाइल अपने हाथ में लेती है। पवित्रा का हरीश नाम का एक बीएफ होता है, सो पवित्रा की सुबह इसी के मैसेज से स्टार्ट होती है। उसी तरह पवित्रा के पास एक कोता होता है जिसका नाम होता है पिक्सी। अब ये मत पूछना मेल या फीमेल, सॉरी मैंने झांका नहीं। खैर पवित्रा की माँ एक क्लासिकल सिंगर होती है। सुबह सवेरे पवित्रा की माँ एक अमेरिकन लड़की को क्लासिकल गाने सिखाती रहती है, वो भी ऑनलाइन के जरिए से। ब्रश वगैरह करने के बाद पवित्रा उसका फादर मैच देखने के लिए टीवी के सामने बैठते हैं, मतलब स्टेट मैच देखने के लिए। और यहाँ पर बात यह है कि पवित्रा का बीएफ हरीश वो अपने ही स्टेट से खेलता रहता है। पवित्रा अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए बार बार हरीश का नाम लेती रहती है कि पापा देखो हरीश आया, ये अब सिक्स मारेगा। लेकिन पवित्रा का फादर हरीश पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, हरीश को हमेशा लानतान करते रहता है कि ये क्या खेलेगा, इसे कुछ भी खेलना नहीं आता। खैर स्नान करने के बाद जब पवित्रा अपने अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही होती है, तभी पवित्रा की माँ पवित्रा को आवाज़ देती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े बेड पर रख दिया, उसे पहन लो। खैर रेडी शेडी होने तक पवित्रा के घर पवित्रा की नानी आती है पवित्रा को संगीत सिखाने के लिए, क्योंकि इसकी नानी भी एक बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर होती है। पवित्रा की माँ और नानी ये दोनों हर रोज रात किसी न किसी कॉन्सर्ट में गाना गाते रहते हैं। खैर प्रैक्टिस के दौरान पवित्रा की माँ हमेशा पवित्रा को डांटती रहती है कि तुम कैसे गा रही हो, माँ देखो किस तरह से गा रही है, और तुम देखो जैसे माँ गा रही है ऐसे गाओ ना। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, और यहाँ पर बीएफ के दौरान भी पवित्रा की माँ पवित्रा को डांटती रहती है कि तुम कैसे खा रही हो, ढंग से नहीं खा सकती, पूरा खाओ। इस तरह से पवित्रा की माँ पवित्रा के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ निकालती रहती है। ये होने के बाद पवित्रा अपने फ्रेंड्स के घर जाती है। इसके दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं रति और जस्सिका। अपने फ्रेंड्स के पास आने के बाद हर रोज पवित्रा कुछ न कुछ नॉनवेज खाती रहती है, कभी चिकन, कभी मटन, कभी ऑमलेट, कभी फिश। और यहाँ पर एक और बात यह है कि रति और जेसिका के भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मतलब रति अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांड कर चुकी होती है। इसके हैंडबैग में हमेशा कंडोम पैकेट्स होते हैं, लेकिन वही जेसिका के बारे में बात करें तो जेसिका ने अभी तक अपने बीएफ के साथ कांड नहीं किया, अपने बीएफ को अपने काम के लिए ही बुलाती रहती है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराना हो, प्रोजेक्ट लिखवाना हो, टॉयलेट धोना हो। सो इसी बात को लेकर हमेशा रति और जेसिका के बीच झगड़ा होते रहता है, स्वीट झगड़ा। ये होने के बाद जब पवित्रा अपने घर आती है तो हर रोज पवित्रा के घर एक सेल्स आंटी आती है, पवित्रा को कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हुए इसे यूज करने के लिए कहती है। और आज फिलहाल ये आंटी एक स्प्रे लाई है, मतलब वॉइस एनहांसमेंट स्प्रे, जिससे गला साफ होगा, पवित्रा अच्छी तरह से गाना गाने लगेगी। वो आंटी कहने लगती है कि बेटा ये तुम रख लो, माँ आने के बाद मैं तुम्हारे मॉम के पास पैसे मांग लूंगी, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पवित्रा अपने कुत्ते के साथ अपने घर से बाहर आती है वॉक करने के लिए। हर रोज इसके घर के बाहर एक बंदा अपने कुत्ते को लेके खड़ा होता है। अब पवित्रा को ऑलरेडी कुत्तों से प्यार होता है, वो उस बंदे से हाय हेलो कहकर बात करने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है उस बंदे के हाथ में जो कुत्ता है वो गली का कुत्ता है। पवित्रा को इम्प्रेस करने के लिए इस कुत्ते को बांध के रखा इसकी जात। खैर वॉक करते करते पवित्रा एक सुपरमार्केट आती है, और ये दुकान वाला बंदा पवित्रा को बचपन से जानता है। जब भी पवित्रा इसके दुकान में आती इसका मनपसंद चॉकलेट इसके हाथ में थमा देता है। पवित्रा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके अपने घर चली जाती है। इसके घर के नीचे ही एक और आंटी बैठी होती है, शायद इस घर की ओनर। यह आंटी हमेशा पवित्रा पर नजर रखती रहती है। बेचारी पवित्रा कुछ न कुछ बहाना बनाकर बाहर जाती और अपने घर वापस आती। खैर शाम होने के बाद पवित्रा हरीश से मुलाकात करने के लिए स्टेडियम जाती, जहाँ पर हरीश अपनी प्रैक्टिस करते रहता है। हमेशा हरीश यही सोचकर परेशान सा रहता है कि आज इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। आज भी हरीश ने पवित्रा के फादर को इम्प्रेस नहीं किया। पवित्रा का फादर हमेशा अजय की ही बैटिंग देखता है। सो जब भी हरीश नाराज होता है, पवित्रा हरीश के पास आकर इसको पप्पी शप्पी करके इसे मनवा लेती है।
हर डिनर करते वक्त पवित्रा उसके माँ बाप आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब कॉन्सर्ट में क्या हुआ, क्या क्या गाया। फाइनली पवित्रा सोते वक्त हरीश को एक मैसेज करके सो जाती है। मतलब यहाँ पर पवित्रा की लाइफ बहुत ही सिंपल सीधी सादी होती है, कुछ भी इसके मर्जी के हिसाब से नहीं होता। खैर यही से एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पवित्रा सो रही होती है, तभी पवित्रा को वेट ड्रीम्स आते हैं। मतलब पवित्रा को नाइटफॉल होता है, इससे पवित्रा थोड़ा अपसेट होती है। सुबह होने के बाद पवित्रा की लाइफ एजुअल से चलने लगती है। हरीश का मैसेज, संगीत का प्रैक्टिस, ये सब होने के बाद पवित्रा अपने फ्रेंड्स के पास जाकर कल रात जो हुआ वो बताने लगती है। मतलब पवित्रा के अंदर फीलिंग्स आ रही है। प्रति कहने लगती है कि तुम हरीश से बात करो, कर ही लो उसके साथ। दूसरी तरफ जेसिका पवित्रा को रोकने लगती है कि पवित्रा तुम्हारी जैसी नहीं है, पवित्रा बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन पवित्रा सोच लेती है कि इस प्रॉब्लम को अपने खुद ही से सॉर्ट आउट कर लेगी। फौरन वो हरीश को मैसेज करती है कि आज रात हम मिल सकते हैं। उसके बाद जब पवित्रा अपने घर वापस आती है, इसके घर में इसके माँ बाप बैठे होते हैं और उस वक्त पवित्रा की माँ रो रही होती है क्योंकि आज अचानक से इनकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई। पवित्रा के माँ बाप को जाना होगा और पवित्रा का फादर पवित्रा को घर में ही रहने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद क्या था, पवित्रा की तो निकल पड़ी। इस तरफ पवित्रा की माँ रो रही होती है, दूसरी तरफ पवित्रा मुस्कुरा रही होती है और यही इमेजिनेशन करने लगती है कि जब घर में कोई भी नहीं होगा, पवित्रा हरीश को अपने घर बुलाएगी, ये दोनों रोमांस करेंगे, साथ ही साथ कांडवान भी करेंगे। तभी हरीश का ये मैसेज आता है, मतलब रात को हम मिलेंगे। पवित्रा के माँ बाप जाने के बाद पवित्रा दोबारा रति और जेसिका के पास आती है और जो हुआ वो बताने लगती है कि इसके माँ बाप किसी गांव गए हैं। रति बताने लगती है, अरे पवित्रा यही अच्छा मौका है, छक्का मार ही दो। जेसिका पवित्रा को रोकने की कोशिश करती है, पवित्रा नहीं, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी, हमारे साथ रहोगी। लेकिन रति जेसिका को इग्नोर करते हुए पवित्रा के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करने लगती है, मतलब पवित्रा को कुछ सेक्सी पहनने के लिए कहती है। इसी दरमियान में रति पवित्रा के पैरों में बहुत सारे बालों को देखती है। रति और जेसिका ये दोनों पवित्रा को बिठाकर इसके बाल उखाड़ने लगते हैं और भाई साहब ये सीन बहुत ही फनी है। ये दोनों कोई टेप लेकर पवित्रा के बाल निकालते रहते हैं। पवित्रा चीखती चिल्लाती रहती है जैसे ये कोई बच्चे को जन्म दे रही। और इसी दौरान मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये दोनों पैरों के बाल निकाल रहे हैं या मतलब पवित्रा को नंगा करके बिठाने की क्या जरूरत थी। खैर हमें क्या लेना देना। उसके बाद जब जेसिका सो रही होती है, पवित्रा धीरे धीरे रतिका से ये सवाल पूछने लगती है कि रतिका तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसा रहा। रति अपने पहले कांड के बारे में बताने लगती है कि एक दिन रति इसके बॉयफ्रेंड के हॉस्टल गई, उस वक्त उसके रूम में कोई भी नहीं था। लेकिन जब कांड करने की बारी आई, इन दोनों के पास कंडोम नहीं था। रति का बॉयफ्रेंड सोचने लगता है कि किसी प्लास्टिक कवर सॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तभी उसका एक फ्रेंड आकर उसको एक कंडोम दिया। तब से लेते हुए रति अपने बैग में हमेशा कंडोम के पैकेट रखती है, पता नहीं कब कौन सी जरूरत पड़ जाए। और इसी तरह पवित्रा से पूछने लगती है क्या हरीश को कंडोम यूज करना आता है। उसके बाद क्या था, रति पवित्रा को लेकर सुपरमार्केट जाती है कंडोम खरीदने के लिए और यह दुकान वही है जहां पर पवित्रा हमेशा अपने सामान को खरीदती रहती है। यहां पर भी भैसा बहुत ही फनी सीन है। मतलब पहले वो दुकान वाला बंदा पवित्रा को देखकर उसका मन पसंद चॉकलेट देता है। रति को बहुत गुस्सा आता है, दुकान वाले से कहने लगती है इसने पूछा कि तुमको वो चॉकलेट दे, ये जो पूछ रही है वो दे दो। दुकान वाला बंदा पूछने लगता है बोलो बेटा क्या चाहिए तुमको। पवित्रा अपना मुंह छुपाते हुए कंडोम की तरफ हाथ दिखाती है, लेकिन इस बंदे को तो कुछ और ही समझ में आता है। पवित्रा को सैनिटरी पैड हाथ में थमा देता है। रति कहने लगती है अरे पागल ये नहीं, इस बच्ची को कंडोम चाहिए। दुकान वाला बंदा कहने लगता है अरे बेटा ये तुम लोगों के लिए नहीं, जो शादीशुदा है ना उन लोगों के लिए है। रति कहने लगती है तो हम 5 साल के बाद शादी करके वापस आएंगे, अरे यार जो पूछा वो दो ना हमको। बेचारा दुकान वाला कावरा बावरा हो जाता है, पवित्रा के हाथ में एक कंडोम के पैकेट थमा देता है। जब ये दोनों दुकान से बाहर आते हैं, वहाँ पर जेसिका खड़ी होती है। जेसिका पवित्रा को देखकर कहने लगती है शेम ऑन यू पवित्रा, छी। उसके बाद रति अपने घर जाती है एक सेक्सी ड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए। पवित्रा उस कंडोम की पैकेट लेकर अपने घर वापस आती है। ऑफ कोर्स वहाँ पर नीचे एक आंटी बैठी होती है। बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते पवित्रा अपने घर में ऊपर चली जाती है। खैर अब कंडोम तो हाथ में आ गया, इसको टेस्ट करना भी जरूरी है। सो इस कंडोम को टेस्ट करने के लिए पवित्रा एक केला लेकर उस केले को पहनाती है। उफ पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है, उठा ले भगवान उठा ले, मुझे नहीं इस केले को उठा ले। तभी दूसरे कमरे में पवित्रा का जो बचा कुचा पैकेट है ना, पिक्सी उस कंडोम के पैकेट को अपने मुंह में लेकर उसे खेलने लगता है। पवित्रा इसके मुंह से छीनने की कोशिश करती रहती है। तभी पवित्रा की माँ पवित्रा को कॉल करके ये बताने लगती है कि बेटा आज रात तुम मेरे बदले अपने नानी के साथ कॉन्सर्ट में चली जाना। ये सुनने के बाद पवित्रा शॉक में रह जाती है।
पवित्रा धीरे धीरे अपने नानी के पास जाती है और इसकी माँ ने जो कहा वो बताने लगती है। इसकी नानी कहने लगती है, चलो अच्छा हुआ आज तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में आओगी, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ जाके रेडी हो जाओ। सो पवित्रा जाते जाते हरीश को ये मैसेज सेंड करती है कि आज रात 9 बजे हम मिलेंगे। उसके बाद जब पवित्रा वापस अपने घर आ रही होती है, जो कुत्ता वाला बंदा होता है ना, वो पवित्रा को रोककर उसे कहने लगता है कि तुम जितनी अच्छी दिखती हो उतनी हो नहीं, मुझे पता है कि तुमने दुकान से कंडोम पैकेट को खरीदा, तुम्हारे जैसी लड़कियां हम जैसे लड़कों को रिजेक्ट करती है, मेरा श्राप यह है कि तुम हमेशा वर्जिन ही मरो, फर्स्ट नाइट के दिन तुम्हारा पति खराटे मार के सोए, ऐसे एक बद्दुआ देता है। हर रात होने के बाद पवित्रा साड़ी वाड़ी पहन लेती है, उसी तरह ये प्रैक्टिस भी करती रहती है। तभी पवित्रा के घर सेल्स आंटी आती है एक और प्रोडक्ट पवित्रा को दिखाने के लिए। पवित्रा उस आंटी को मना करके वहाँ से भेज देती है। अब पहले से ही पवित्रा परेशान सी रहती है, ऊपर से इस आंटी का टॉर्चर, ये सब कुछ देखकर पवित्रा बहुत इरिटेट हो जाती है, ये सीधी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती। तभी थोड़ी देर बाद रति एक सेक्सी ड्रेस लेकर पवित्रा के पास आती है और उसे पूछने लगती है कि ये तुम साड़ी पहन के क्यों बैठी हो, ये ड्रेस पहनो फटाक से हरीश तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन पवित्रा रति को इंसल्ट करते हुए बात करती है कि मैं तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, मुझे भी तुम अपनी जैसी बना रही हो, मुझे कोई भी ड्रेस वेस नहीं पहनना, तुम जाओ यहाँ से, मतलब इस तरह से बहुत इंसल्ट कर देती है। बेचारी रति मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। रति जाने के बाद पवित्रा बहुत चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि इसकी मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद पवित्रा नॉर्मल ड्रेस पहनकर अपनी नानी के पास जाती है। यहाँ आते ही पवित्रा वॉमिटिंग करने लगती है। इसकी नानी पूछने लगती है कि पवित्रा क्या हुआ। पवित्रा बताने लगती है कि नानी मैं आपके साथ कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फूड पॉइजन हुआ। नानी पूछने लगती है क्या हुआ, क्या खाया तुमने। पवित्रा बताने लगती है कि मैंने मछली खाया। ये सुनने के बाद नानी शॉक में रह जाती है, क्या तुम मांस खाई। और इसी तरह पवित्रा ये भी कहने लगती है कि नानी मैं आपके जैसा गा नहीं सकती, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी नानी कहने लगती है, देखो बेटा तुमने मांस खाया इसमें कोई गुनाह नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको पसंद है इसीलिए तुम खाई, और वैसे भी तुम बहुत ही अच्छा गाती हो, तुम किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम जैसी हो वैसे ही रहो, जो अच्छा लगे तुमको वो करो। इस तरह से इसकी नानी पवित्रा को मोटिवेट करती है। उसके बाद जब पवित्रा अपने घर आती है तभी हरीश का ये मैसेज आता है कि पवित्रा मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकता, कुछ जरूरी काम आ गया। ये मैसेज देखने के बाद पवित्रा और मायूस हो जाती है। हरीश बार बार पवित्रा को कॉल करते रहता है लेकिन पवित्रा इसका फोन पिक नहीं करती। तभी पवित्रा के घर के बाहर हरीश आता है, पवित्रा को बुलाने लगता है। पवित्रा अपने बालकनी में आती है। हरीश पवित्रा से कहने लगता है कि पवित्रा मैं जो बोल रहा हूँ वो प्लीज सुनो एक बार। ऐसा कहते हुए हरीश इशारों से पवित्रा को ये बताने लगता है कि जब हरीश क्रिकेट खेल रहा था बॉल आकर हरीश के नुन्नू को लग गया, इसीलिए हरीश ने पवित्रा को मना किया। अब नीचे ही वो आंटी बैठी होती है, हरीश की ये हरकतें देखकर हंसने लगती है। उसके बाद पवित्रा हरीश को अपने घर में अंदर बुलाती है। घर के अंदर आने के बाद रोमांस वगैरह करने लगते हैं और जब कांड करने की बारी आती है पवित्रा को कंडोम के बारे में याद आता है और जब पवित्रा दूसरे कंडोम पैकेट को ओपन करती है, ऑफकोर्स ये पैकेट पिक्सी ने बर्बाद कर दिया, इस कंडोम में छेद ही छेद है। हरीश कहने लगता है तो मैं दुकान जाके ले आता हूँ। पवित्रा कहने लगती है नहीं, जब तक तुम आओगे मेरे माँ बाप आ चुके होंगे, खैर जाने दो हरीश, आज नहीं तो फिर कभी, हम ये कांड शादी होने के बाद ही करेंगे। ऐसा कहकर थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद जब हरीश पवित्रा के घर से जा रहा होता है तभी पवित्रा रति की हैंडबैग को देखती है। मतलब जब रति पवित्रा के घर आई थी गुस्से में रति अपनी हैंडबैग को यहीं पर भूल के चली गई और रति के बैग में हमेशा क्या रहता है, कंडोम। सो इस कंडोम को देखकर पवित्रा और हरीश ये दोनों ऐसा फील करते हैं कि इन दोनों को कोई डायमंड मिल गया। उसके बाद क्या था, पवित्रा पहली बार हरीश के साथ कांड करती है, अपने फीलिंग्स को मिटा लेती है। दूसरे दिन पवित्रा अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करती है। मैच के दौरान हरीश बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते रहता है। यही मौके का फायदा उठाकर पवित्रा अपने फादर के सामने हरीश की और तारीफ करने लगती है। उसके बाद पवित्रा अपने मन पसंद के कपड़े पहनती है। जब संगीत का प्रैक्टिस कर रही होती है पवित्रा की माँ पवित्रा को बार बार डांटने लगती है। इसकी नानी पवित्रा से कहने लगती है कि पवित्रा कोई नहीं, तुमको जिस तरह से आता है उसी तरह से गाओ, तुम अपनी माँ की बातों को इग्नोर करो। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते वक्त पवित्रा की नानी ने पवित्रा के लिए फिश करी बना के ले आती है। सो आज पवित्रा डोसा के बदले नॉनवेज खाती है। उसके बाद पवित्रा अपने दोनों फ्रेंड्स के पास जाती है।
अब अफकोर्स रति और जेसिका ये दोनों पवित्रा से गुस्सा होते हैं। पवित्रा इन दोनों को सॉरी बोलती रहती है। तभी रति अपने बैग में अपने कंडोम पैकेट को नहीं देखती, पवित्रा से पूछने लगती है। पवित्रा बताने लगती है कि हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। यह सुनने के बाद रति और जेसिका ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। खैर जो भी हो, ये दोनों पवित्रा को माफ कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों अपने प्रोजेक्ट के काम में लग जाते हैं। घर आने के बाद वो सेल्स आंटी दोबारा पवित्रा के लिए एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आती है, लेकिन पवित्रा उसको फेंक देती है। वही दूसरी तरफ जो कुत्ता वाला बंदा होता है ना, वो दोबारा उस कुत्ते को बांधने की कोशिश करता है पवित्रा को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो काला कुत्ता उसको ही काट लेता है। वहाँ से पवित्रा दुकान के पास आती है और ये दुकान वाला बंदा पवित्रा को ऐसे ही देखते रहता है, मतलब ये फटाक से पवित्रा को चॉकलेट नहीं देता। पवित्रा को बोलने का वेट करते रहता है कि पवित्रा आज क्या मांगेगी। सो पवित्रा कहने लगती है कि अंकल आज आप मेरा मनपसंद चॉकलेट नहीं दोगे। वो बंदा पवित्रा को उसका चॉकलेट दे देता है। शाम होने के बाद पवित्रा हरीश से जा मिलती है। ये दोनों कल जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिनर करते वक्त पवित्रा की माँ उस सेल्स आंटी को डांटने लगती है कि पता नहीं कौन कौन से फिजूल के प्रोडक्ट्स लाती रहती है, अगली बार उस औरत को अपने घर में मत आने देना। फाइनली सोते वक्त पवित्रा हरीश को एक मैसेज करके सो जाती है। इस तरह से ये सिंपल सीधी सादी मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर अब इस मूवी से ये मैसेज दिखाया गया है कि अच्छी लड़की का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, उसकी कुछ ख्वाहिशें होती है, मनपसंद चीजें करने की खाने की इच्छा होती है। हाँ ये फीलिंग्स इंसान टू इंसान चेंज होती है। सिंपल से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको चाहिए वही करिए। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।